नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम फॉर इंडिया में। आज हम आए हैं रोहिणी के सेक्टर 24 में और यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक 4 BHK बिल्डर फ्लोर जो कि बना हुआ है हमारा DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स के ऊपर। मतलब ये 60 मीटर के जोड़े का कॉर्नर का प्लॉट है, मतलब ये एल शेप का प्लॉट है और अगर मैं इसके गज में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है कुछ 170 से 180 गज के आसपास का, जिसमें निकलता है 4 BHK। मतलब हमारा 4 बेडरूम 4 बाथरूम 1 किचन 1 लॉबी प्लस ड्राइंग रूम का पूरा सेट है। और अगर मैं बात करूं इसमें हमारे पास यूनिट कौन कौन सी अवेलेबल है, तो इस बिल्डिंग में हमारे पास चारों फ्लोर की यूनिट अवेलेबल है, जिसमें अपर ग्राउंड फ्लोर का आस्किंग प्राइस है 2,35,00,000 रुपये, फर्स्ट फ्लोर का आस्किंग प्राइस है 2,30,00,000 रुपये, सेकंड फ्लोर का आस्किंग प्राइस है 2,30,00,000 रुपये और जो टॉप फ्लोर है इसमें उसका आस्किंग प्राइस है 2,70,00,000 रुपये। और क्योंकि ये स्टिल टॉप पार्किंग के साथ बना हुआ है तो इसकी जो लिफ्ट है वो बिल्कुल छत तक जाती है और हमारे पास रूफ पे 2 कमरे 1 किचन 1 बाथरूम का पूरा सेट बना हुआ है। तो ये थी हमारी बिल्डिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आपके इसके सराउंडिंग्स के बारे में बताता हूँ। इस ये जो बिल्डिंग है इसके बिल्कुल सामने हमारे पास लगता है पूरे जो एरिया का, मतलब इस सोसाइटी का जो मेन पार्क है वो इसके बिल्कुल सामने लगता है। प्लस ये जो बिल्डिंग है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है हमारे पास, मतलब ये जब भी सुबह सुबह जब भी सूरज उगता है तो सबसे पहले सूरज आपकी बिल्डिंग पे आएगा। और क्योंकि ये एल शेप की बिल्डिंग है, मतलब दोनों साइड से ओपन है, तो आपको जो गाड़ी पार्किंग के गेट्स है ना, एक तो ये गेट है और एक उस तरफ से भी गेट है, तो आपको पार्किंग की भी यहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आएगी, पार्किंग भी आप इजीली कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है टाटा पावर का बिजली का कनेक्शन, IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन, प्लस दिल्ली जल बोर्ड का वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन। और वाटर पाइपलाइन के कनेक्शन के साथ में यहाँ पे आपको समर सीजन का कनेक्शन भी मिलेगा जो कि 24 आवर्स आपके हमेशा जो ओवर है टैंक्स है उसमें आपका पानी रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी थी हमारी इस बिल्डिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन और इसके आसपास के बारे में। अब चलते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, आइए चलिए मेरे साथ। आइए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ हमारा 4 BHK जो कि बना हुआ है हमारा 60 मीटर के जोड़े के कॉर्नर के प्लॉट के ऊपर। तो ये हमारा फ्लोर है और एंटर करके ये हमारा लुक है इस फ्लोर का। सबसे पहले मैं आपको इस लेआउट बताता हूँ हमारा। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करके लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक बेडरूम है, इसके साथ में ये कॉमन वॉशरूम है, इधर सेकेंड बेडरूम है, इस तरफ हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, इसके साथ में है ये किचन और इधर है हमारा फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। देखिए कितना स्पेशियस ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आप अपना इजीली एल शेप का सोफा लगा सकते हैं और यहाँ पे LCD पैनल भी बना हुआ है। अब अंदर देखिए कितना अच्छा वर्क किया हुआ है, कितना ग्रैंड वर्क किया हुआ है। यहाँ पे लूअर्स के साथ में ये ग्लास वर्क भी करा हुआ है, बहुत अच्छे लूअर्स बनाए हुए हैं। प्लस यहाँ पे LCD पैनल देख लीजिए कितना सुंदर LCD पैनल बनाया हुआ है। और कॉर्नर का प्लॉट है तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। ये UPVC की विंडो लगाई हुई है, लकड़ी की नहीं है, UPVC का काम है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा ये पैनलिंग करी हुई है। अब चलते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो ये है। देखिए ये बेड के पीछे का स्पेस है, आपके बेड के पीछे का कितना सुंदर स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पे वार्डरोब है प्लस ड्रेसिंग टेबल है और इस तरह से दिखाऊंगा तो इसका ये LCD पैनल है बैक साइड में, ये LCD पैनल है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ जो कि इसका पाउडर वॉशरूम भी है। ये इसका कॉमन वॉशरूम, देखिए कितना स्पेशियस वॉशरूम है ये और कितना अच्छा ब्लैक और ग्रे कलर का टोन दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ से बाहर निकलेंगे और चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम के अंदर जो कि ये है। हर बेड के पीछे की वो बनाई हुई है सराहना जिसे बोलते हैं और पूरी दीवार पे यहाँ पे अलमीरा बनाई हुई है, पूरी वॉल पे अलमीरा है। यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल की भी स्पेस है, देखिए कितना अच्छा ड्रेसिंग टेबल का स्पेस दिया हुआ, साथ में मिरर भी है और इसका ये LCD पैनल है और इसके साथ में है अटैच वॉशरूम जो कि इस साइड है। ये इसका अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर हमारा बेडिंग एरिया है, नहाने का एरिया है, यहाँ पे
यहाँ पे हमारा कमोड है और पीछे इस तरफ में हमारा वॉश बेसिन है। अभी इसमें सैनिटरी का काम थोड़ा बाकी है, जैसे ही कोई आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे सैनिटरी का काम होगा। अब चलते हैं यहाँ से अपने थर्ड बेडरूम के अंदर, जो कि है बहुत स्पेशियस बेडरूम है। देखिए कितना स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको यहाँ पे एक वो मिल जाएगा, ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगी। ये हमारी बेड की स्पेस है। ये इसमें नीचे अगर मैं दिखाऊँ तो सारे में वुडन फ्लोरिंग वर्क की है, सारी वुडन फ्लोरिंग है देख सकते हैं। और बिल्कुल सामने इसके एलसीडी पैनल है, कितना ह्यूज एलसीडी पैनल है। और यहाँ पे इसकी पीवीसी की ये डोर लगाया हुआ है हमारा बालकनी के लिए। ये साउंड प्रूफ डोर्स होते हैं, बहुत अच्छे डोर्स होते हैं आपकी देख में। देखिए कितनी लंबी और कितनी अच्छी बालकनी है। यहाँ से देखिए बिल्कुल पार्क दिखता है, जो सेंटर पार्क है इसका। अब चलते हैं दोबारा से अपने किचन के अंदर। आइए, ये हमारी इसकी किचन है। देखिए कितनी यू शेप की किचन है। और किचन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस आ जाता है, जो बहुत अच्छा बड़ा स्पेस है। प्लस ये पूरी हमारी किचन है। किचन में देखिए यहाँ पे ग्लास का वर्क भी करा हुआ है, इसके अंदर वुडन वर्क भी करा हुआ है, बहुत अच्छा वुडन वर्क किया हुआ है। मतलब इस बिल्डर ने ना काम करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे हमारे पास चिमनी के लिए स्पेस दी हुई है, नीचे गैस हॉब आएगा यहाँ पे। और अगर मैं इसकी ड्रॉर्स देखूँ तो ये सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स हैं, ये देखिए सारी की सारी सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स हैं इसकी। और यहाँ पे भी हमारे पास बहुत स्पेस है सामान रखने के लिए। मतलब किचन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो स्पेस की होती है, वो चीज़ देखते हुए इस बिल्डर ने बहुत अच्छा काम किया है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्लास की पूरी इन्होंने टॉल यूनिट बनाई हुई है, पूरी ग्लास की टॉल यूनिट है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। और जो कलर का मिक्स मैच जो किया है ना, बहुत प्यारा मिक्स मैच किया हुआ है, बहुत अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अब चलते हैं इसके फोर्थ रूम में, जो कि यहाँ पर है। इसका फोर्थ रूम है और इस रूम में भी आपको अलमीरा मिल जाएगी, प्लस एलसीडी पैनल है पीछे बैक साइड में। और पूरे घर में अगर मैं देखूं नीचे फ्लोरिंग में ना, इसमें सारे घर में इटालियन मार्बल लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा इटालियन मार्बल है। इतना चमक मार रहा है कि आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं इसके अंदर, इतना प्यारा इटालियन मार्बल है। और सारे में आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, आप ड्राइंग रूम की फॉल सीलिंग देखिए, आप बेडरूम की फॉल सीलिंग देखिए, बहुत प्यारा काम किया हुआ है, बहुत एलिगेंट काम किया हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पे रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ 180 गज के फ्लोर के अंदर जैसे होना चाहिए इंटीरियर, वैसा ही। और बिल्कुल इन्होंने ऐसा फिनिश करके दिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ आपको अपना सामान लाना है और आपको खुद आना है, आप यहाँ पे रहने रह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा 120 मीटर का, मतलब 180 गज का बिल्डर फ्लोर, जो कि 4 BHK बिल्डर फ्लोर है। अब इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आ रहा है, उस नंबर पर कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके मेरे साथ विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।